हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप उनपे फाउंडिंग मेंबर हैं, आपके लिए जो डेटा है काफ़ी ज़रूरी है, प्लीज़ पीडी को पूरा देखें। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करें उन पैसी कंपनी की, और यहाँ पे अगर बात करें उन पैसी कंपनी में पैकेज की, तो कंपनी ने जो पैकेज की जो शुरुआत करी थी, फर्स्ट टाइम कंपनी ने जो पैकेज लॉन्च करा था 1 सितंबर 2023 को करा था। और बहुत से फाउंडर ने जो पैकेज परचेज किया था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था, यानी कि 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक मैक्सिम फाउंडर ने यहाँ पे पैकेज परचेज करा था। इस डेट के बीच में, 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में, तो भी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पैकेज है, पैकेज को लिए हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करें, क्या यहाँ पे जो फाउंडर हैं, फाउंडर को फिर से यहाँ पे पैकेज परचेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी है, कंपनी का जो माइग्रेशन का जो काम है अभी भी यहाँ पे चल रहा है। हमारा जो डाटा है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र करा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेबसाइट का काम पूरा होता है, उसके बाद जो कंपनी है एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च करने वाली है, यानी कि इसका न्यू वर्जन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पैकेज हैं, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, चाहे ओ कनेक्ट की बात करें या फिर हमारे जितने भी जो पेड प्रोडक्ट हैं, उनका जो पैकेज है वो भी यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो फाउंडर हैं उनका जो पैकेज है उसकी जो वैलिडिटी थी 1 साल के लिए थी। अब मिस्टर एस का क्या यहाँ पे डिसीजन होगा कि वो यहाँ पे फाउंडर को फिर से पैकेज की परचेज करने के लिए बोलेंगे या नहीं, ये तो मिस्टर एस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे कि मिस्टर एस ने बोला था कि जो भी फाउंडर हैं उनको लाइफ में एक बार ही पैकेज परचेज करना है, ऐसा उनका यहाँ पे कमिटमेंट था फाउंडर के साथ। बट यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वो फिर से अपडेट हो रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट हैं वो फिर से यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ आ रहे हैं, और मिस्टर एस का भी बोलना ऐसे है यहाँ पे कि हम वी आर कमिंग बैक, यानी कि हम फिर से आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मिस्टर एस क्या डिसीजन लेते हैं कि जो फाउंडर हैं, फाउंडर को फिर से बोला जाता है पैकेज परचेज करने के लिए या नहीं, ये तो फाउंडर को अभी पता नहीं है। बट मिस्टर एस ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चांस जो हैं 50-50 हैं। ठीक है, मिस्टर एस फिर से यहाँ पे पैकेज परचेज करने के लिए बोल सकते हैं। अगर वेबसाइट यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ आता है और जो प्रोडक्ट हैं न्यू अपडेट के साथ आते हैं, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे स्मूथ चलते हैं, ठीक है, स्मूथ यानी कि जैसे हमारे प्रोडक्ट पहले चलते थे उससे बेटर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में जूम चलता है, अगर जो ओ कनेक्ट है वो भी वैसे चलता है, तो यहाँ पे मजबूरी में ही फाउंडर को जो पैकेज है परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फाउंडर को जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगेगा, तो उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए जो फाउंडर हैं और मिस्टर ऐसे यहाँ पे बोलते हैं पैकेज लेने के लिए, तो फाउंडर यहाँ पे पैकेज लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अगर कंपनी यहाँ पे बोलती है कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा और रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो वो मिस्टर एस फाउंडर से यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं पैकेज की। ठीक है, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, ठीक है, उनको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो शेयर मार्केट से अपने जो कंपनी है उसको लिस्ट करके लोगों से पैसे लेती हैं। ठीक है, कंपनी को लिस्ट करके उनका आईपीओ निकाल के मार्केट में। बट मिस्टर एस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और कंपनी को पैसा चाहिए यहाँ पे, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ फाउंडर हैं।
सिर्फ और सिर्फ फाउंडर का यहाँ पे कंपनी सहारा ले सकती है। जो भी कंपनी को हेल्प चाहिए वो सिर्फ फाउंडर से मिल सकती है यहाँ पे। अगर कंपनी को यहाँ पे ग्रो करना है, अगर इसको यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर ही कंपनी की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट आएगा, जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ही सारा का सारा यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।